अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं डायटिशन नुसरत फ़ातिमा आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ हमारे शो फूड डायरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में जिस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि इसे खाने से हमारा दिल रोशन होता है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पैर यानि नाशपाती की। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर फ्रूट की तरह पैर में भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में बनने वाले हार्मफुल टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए जो विटामिन और मिनरल की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे नाशपाती में मौजूद है। तो ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के साथ साथ हमारे दिल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पैर में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में इनसोल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, जिससे हम स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों से दूर रहते हैं। नाज़रीन, आपने एन एप्पल अ डे वाला प्रोवर्ब तो सुना ही होगा, इसके साथ साथ आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, अ पैर अ डे ऑल्सो कीप्स द डॉक्टर अवे। इसके अंदर पाए जाने वाला फाइबर और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि वो खवातीन जो मेनोपॉज स्टेज में है उनके लिए पैर खाना काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। पैर भले ही जायके में मीठा होता है लेकिन इसकी मिठास हमारी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज़ होती है। ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, तो वो अफराद जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है उनके लिए पैर या नाशपाती एक बहुत ही अच्छा फ्रूट ऑप्शन है। पैर में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फोलिक एसिड पाया जाता है और अक्सर हामिला खवातीन को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की शिकायत रहती है, तो ऐसी खवातीन अगर रोज़ अपने प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में पैर को कंज्यूम करें तो इंशाल्लाह इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को खाने की वजह से एलर्जी की शिकायत होती है, लेकिन पैर एक ऐसा फ्रूट है जिससे आपको कभी भी एलर्जी की शिकायत नहीं होगी। इसमें एसिड लेवल बहुत ही कम है और ये हाइपो एलर्जेनिक है, तो वो खवातीन जो अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रूट ऑप्शन देख रही है उनके लिए पैर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप अपने छोटे बच्चों को पैर खिलाना चाहते हैं तो इसे पील करके, इसे बॉयल करके या इसे स्टीम करने के बाद मैश करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन खवातीन इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चे जिन्हें डायरिया की शिकायत है उन्हें वो पैर ना दे। पैर में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, तो वो अफराद जिन्हें आर्थराइटिस या ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है उनके लिए भी पैर खाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। वो अफराद जिन्हें अक्सर ड्राई स्किन या स्किन प्रॉब्लम्स की शिकायत होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी में शुगर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये शुगर हमारी स्किन के प्रोटीन को डैमेज कर देता है। पैर में ज़्यादा फाइबर होने की वजह से ये हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर को रिलीज़ होने से रोकता है और हमारे स्किन के प्रोटीन को डैमेज होने से बचाता है। इससे आपकी स्किन हेल्दी और सॉफ्ट रहती है। वो अफराद जो वेट लॉस पर फोकस कर रहे हैं उनके लिए पैर एक बहुत ही अच्छा स्नैक ऑप्शन हो सकता है। पैर में काफ़ी कम कैलोरीज पाई जाती है और इसके साथ साथ पैर में हाई फाइबर होने की वजह से इससे आपको भूख का एहसास काफ़ी देर बाद लगता है, तो वो अफराद जिन्हें वेट लॉस चाहिए उनके लिए पैर एक बहुत ही अच्छा फ्रूट ऑप्शन है। इसी के साथ साथ वो लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उनके लिए भी डेली एक पैर खाना काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। वो खवातीन जिन्हें ऑयली स्किन की शिकायत है उनके लिए एक छोटी सी टिप, अगर वो पैर को मैश करके उसमें फ्रेश क्रीम और हनी के साथ उसका फेस मास्क बनाए और उसे हफ्ते में 3 बार अपने फेस पर लगाए तो इंशाल्लाह उन्हें ऑयली स्किन से राहत मिल जाएगी। पैर में पाए जाने वाले नेचुरल शुगर और विटामिन सी जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये आपके स्कैल्प को नरिश करता है और आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है, तो वो खवातीन जिन्हें ड्राई और रफ़ हेयर की शिकायत है उनके लिए एक छोटी सी टिप, एक ऐसा नाशपाती जो काफ़ी हद तक पका हुआ हो या ब्राउन हो चुका हो उसके साथ साथ 2 बड़े चम्मच एप्पल सिडर विनेगर और वाटर को मिक्स करके अगर आप शैम्पू करने के आधे घंटे पहले अपने बालों पर लगाएं तो इंशाल्लाह इससे आपकी ड्राई हेयर्स की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो ये थे नाशपाती के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप पैर खाएंगे या बाज़ार से लाएंगे तो आप इनके फ़ायदों को अपने जहन में रखकर इसे इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।